कोरोना काल के बाद जहां शहर में अन्य बाजार तेजी से गुलजार हो रहे हैं, दीपावली के नजदीक आने से पटाखा बाजार भी सच कर तैयार हो चुका है, लेकिन पटाखा व्यापारियों की मायूसी और खाली दुकान उनका हाल बयां कर रही है। वैसे तो इंदौर आर्थिक राजधानी मानी जाती है, क्योंकि यहां हर व्यापार तेजी से फल फूल जाता है। इसी का एक नमूना पटाखा बाजार भी है। पटाखा बाजार इंदौर शहर में सालों से संचालित हो रहा है। यहाँ का पटाखा व्यापारी दूर दूर से आयात कर इसका निर्यात करता है। प्रदेश भर से छोटे बड़े व्यापारी इंदौर के बाजारों से बड़ी मात्रा में पटाखे खरीदकर अपने गांव शहरों में जाकर व्यापार करते हैं, लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण काल के कारण पटाखा बाजार सूना पड़ा हुआ है। यहाँ के व्यापारियों का मानना है कि आगामी त्योहार दीपावली तक व्यापार में तेजी आएगी और पिछले साल के मुकाबले इस साल भी व्यापार चलेगा। यहाँ से तो कोरोना लोग भूल गए हैं। अभी जो हिसाब से अभी फटाके बिक रहे हैं हमारे यहाँ, उस हिसाब से सीजन अच्छी जाने की पूरी पूरी उम्मीद है। नहीं, रेट पिछले साल से कुछ जो जनरल आइटम है उनमें कम हुआ है, जो कंपनी के आइटम है जैसे अनिल और स्टैंडर्ड और रत्ना बिकता है मध्य प्रदेश में, उनमें कुछ 5-6% बढ़े हुए हैं, बाकी सब में कम हुए हैं रेट। जब से फटाकों पे भगवान के पोर्टल पे बैन हुए हैं तब से हमने बेचना खरीदना बंद करके रखा है। और रही बात चाइना के आइटम की, चाइना के आइटम जो बेचते हैं वो जेल रोड पे जो इम्पोर्टेड सामान बेचते हैं वही बेचते हैं, हम नहीं बेचते हैं। हमारे जो 52 दुकानें हैं उनमें से किसी की दुकान पे भी आपको चाइना के फटाके नहीं मिलते। बहरहाल इस वर्ष पटाखा बाजार में कोरोना संक्रमण का असर साफ देखा जा सकता है। इंदौर का पटाखा मार्केट अभी तक सूना पड़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबार न्यूज, इंदौर।